बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर। मैं हूं शेफ तनवीर हुसैन और आप देख रहे हैं बाबा हाजमी फूड्स। और आज मैं आपको जो नाश्ते में रेसिपी बनाने जा रहा हूं वो है आलू के पराठे, जो कि बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। ये देखिए, इंशाल्लाह ताला बहुत मजा आएगा। आपको मुकम्मल रेसिपी बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। चलिए हम तैयार करते हैं व्यूअर, चले हम शुरू कर रहे हैं। आ जाए, ये देखें मैंने आटा लिया है, ये वाले कप से तकरीबन डेढ़ कप मैंने आटा लिया है, डेढ़ कप मैंने मैदा लिया। तो मैदा हम दोनों को मिक्स करेंगे, और तकरीबन एक चम्मच मैंने नमक लिया है, ये भी मैं इसमें मिक्स करूंगा। फिर इसको गूंदूंगा, इसको गूंद के तैयार कर लूंगा इसका पेस्ट बना के। तो फिर इंशाल्लाह अगला मरहला मैं आपको बताऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। देखें, इस तरह से मिक्स कर लेना। ये नमक मैंने डाल रहा हूँ मैं, इसको इस तरह मिक्स कर लेना। फिर इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, इसको तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ये पानी मैंने रखा हुआ है, इसको हल्का थोड़ा सा पानी डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें आटा मैंने तैयार कर लिया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैंने अच्छी तरह गूंद लिया, और अभी मैं ये देखें तकरीबन आधा किलो आलू होंगे, इनको मैंने बॉयल किया है। अभी इनको मैं इनका पेस्ट बनाऊंगा इस तरह से। ये देखें, इसका पेस्ट बना के इस पर फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मिक्स करूँगा और आपको बताता जाऊँगा इंशाल्लाह। आप मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, आपको मुकम्मल रेसिपी दूंगा, मजा आएगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसको कर लिया, इसको मैंने साफ करके निकाल दूंगा बाहर। ये देखें, अब मैं इसमें चीजें मिक्स करूंगा। ये देखें नमक है, तकरीबन एक चम्मच नमक है मैंने, ये मैं इसमें डालूंगा। जीरा है तकरीबन हाफ टेबल टीस्पून है, ये डालूंगा। एक टेबल टीस्पून इसमें लाल मिर्च मैंने डाली है। देखते जाएं, ये बहुत अच्छा टेस्ट निकलेगा इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। आप मेरी रेसिपी घर में तैयार करें। ये अजवाइन है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है, खुशबू निकलती है। खुश्क धनिया ये पीसा हुआ, ये डालेंगे इसमें। तकरीबन दो से तीन चुटकी मैंने हल्दी डाली है इसमें। और ये देखें हरी मिर्च है, मैंने तकरीबन दो अदद बारीक काट ली है। और इसमें ये हरा धनिया ये डालेंगे। और इसमें मैंने तकरीबन दो प्याज मैंने काट के रखे थे बारीक, ये डाल रहा हूँ। और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगा। जी व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन एक लीमू मैंने इसका रस निकाला हुआ, ये मैंने इसमें डाल दिया। कुछ को नहीं पसंद होता, वो नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है। ये तकरीबन इसका पेस्ट तैयार हो गया आलू का, इसको हम पीठी भी कहते हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो गया। जी व्यूअर्स, ये देखें मैं इसके पेड़े बना रहा हूं। जी तो ये देखें व्यूअर्स, ये तैयार हो गए हैं पेड़े। अब हम इनको रोटी की शक्ल देंगे इंशाल्लाह ताला, इसको तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें ऐसे थोड़ा सा हम खुश्क आटा नीचे थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि नीचे रोटी ना चिपके। तो फिर इसको तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह पहले थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। इसके बाद
जी व्यूअर, ये देखें, मैं इसमें ये तैयार किए हुए आलू इसमें मैं मिक्स करूंगा। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे से, जी व्यूअर ये देखें, ये मैंने लगाया। आप इसके ऊपर मैं ये दूसरी मैंने रोटी बनाई है ये लगाऊंगा इस तरह से। ये देखें, इसको उसके ऊपर पूरा करना है। इस तरह से इसको पूरा करेंगे। फिर इसको हम दोबारा से रोटी की बेलेंगे। जी व्यूअर, ये देखें, इसको मैं आप पकाने लगाऊं। ये देखें, इस तरह मैं इसको हल्का सा मैंने घी लगाया था नीचे ताकि ये चिपके ना। तो अभी ये तैयारी की मरहल में इंशाल्लाह ताला उतनी देर में मैं बाकी पेड़े भी तैयार करता हूँ, उनमें लगा के पेस्ट। जी व्यूअर, ये देखें, मैं इस पे ऑयल लगा रहा हूँ। जी व्यूअर, ये देखें, मैंने दूसरी रोटी डाली। अब इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता जाऊंगा जैसे ही मुकम्मल होगा। इंशाल्लाह ताला आपको लास्ट पे एक चीज रहती है, वो इंशाल्लाह लास्ट पे बताऊंगा। आपने मेरे साथ रहना, आपने कहीं नहीं जाना, बेफिक्र हो जाए, परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। आपने जब भी नाश्ता फटाफट, आप कुछ ना याद है तो आप आलू के पराठे बनाएं, बहुत टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूअर, ये देखें कितना खूबसूरत बन रहा है ये आलू का पराठा। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। इंशाल्लाह ताला ये बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा। मैं अभी आपको लास्ट जो इसका रेसिपी का हिस्सा है वो भी दिखाऊंगा। जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा, मेरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसके ऊपर मैं मक्खन रख रहा हूँ। देसी घी भी लगा सकते हैं आप, मक्खन से बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है। जी व्यूअर्स, ये देखें, आलू के पराठे तैयार हैं। तो ये देखें, वाओ माशाल्लाह, बहुत टेस्ट आ रहा होगा आपको भी देख के। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।